हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हाटॉन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क स्टेशन। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन सिस्टम किया था और उसमें हमने आपको लास्ट में योरी ड्राइंग दी थी। तो चलिए आज हम इस ड्राइंग के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक 45 जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, फिर यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 15, फिर ऊपर 30, और फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। जो चलिए पहले हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर हमें एक ही पॉइंट नोन रहता है और उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो हमने इसे ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है 45, तो मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक 45, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर, तो 45.0, ठीक है। फिर अगली बार हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, 15 और जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 था और यहाँ से यहाँ तक, नहीं, यहाँ से यहाँ तक 45 था और यहाँ से यहाँ तक 15, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 60। और हमने हॉरिजेंटल ही कवर किया है, तो हॉरिजेंटल के अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस ही चेंज होता है, तो मेरा एक्स एक्सिस चेंज हो गया 0 से 60 और ये 0 से 0, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो एक्स, जो पहला आपका जो डिजिट होता है वो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा डिजिट क्या होता है आपका, वाई एक्सिस। तो 0 से 60 पहला डिजिट और दूसरा डिजिट जो वाई एक्सिस होता है वो 0 से 0। फिर अगली बार हम फिर यहाँ से यहाँ तक गए 45, तो यहाँ से यहाँ तक 45 गए, तो इसमें 45 और ऐड करते हैं, कितना हो गया 105, तो ये कितना हो जाएगा 105.0। फिर यहाँ से यहाँ तक 15 और गए, तो ये कौन सा हो गया 120.0। अब हम यहाँ से ऊपर गए कितना, यहाँ से ऊपर गए 30, तो यहाँ से ऊपर गए 30, वर्टिकल में गए, तो मतलब अब की बार चेंज किसके अंदर आएगा, वाई एक्सिस के अंदर आएगा। तो एक्स एक्सिस 120 का 120 और वाई एक्सिस 0 से 30, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट तक आना है, तो इस यहाँ पर आना है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 105 था और मुझे कितना, और कितना अपसाइड डायरेक्शन में जाना है 45, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 और ये वर्टिकल गया है, तो सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज होगा, तो एक्स एक्सिस 105 था तो अब भी 105 है, लेकिन वाई एक्सिस 0 से कितना हो गया 45। अब हमें इधर आना है, तो 45 अगर अगर आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो कि अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, कितना 45, तो 105 में से 45 माइनस कर दोगे तो 60। और कितनी हाइट पे है ये, 45 हाइट पे है, क्योंकि हम वर्टिकल, अब देखो ऐसे ऐसे भी देख सकते हो आप, हम यहाँ से यहाँ तक है हॉरिजॉन्टल में चेंज आया, तो वाई एक्सिस अभी भी 45 पर और हमारा यहाँ पे भी वाई एक्सिस 45 है, लेकिन एक्स एक्सिस 105 से 60 हो गया, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। और कम क्यों हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। और चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप सपोज 0.0 पे थे, यहाँ से यहाँ तक आगे 60.0, अब आप वाई एक्सिस पे गए वर्टिकल, कितना गए 45, तो जितना एक्स एक्सिस था वो तो सेम रह गया 60 से 60, लेकिन वाई एक्सिस कितना हो गया 0 से 45, ठीक है। वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, ये डिस्टेंस आपका 45.0, यहाँ से आपको 30 ऊपर जाना है, मतलब वर्टिकल ऊपर जाना है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में चेंज आएगा, एक्स एक्सिस तो आपका 45 है तो ऊपर भी 45 रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस में चेंज आएगा, तो 0 से 30। क्यों 30 चाहिए, क्यों चेंज आया, क्योंकि हम 30 ही ऊपर गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप इस साइड यहाँ पर आ गए 45, इस साइड आए हो तो फिर वही लेफ्ट हैंड साइड गए हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो नेगेटिव, तो 45 से नेगेटिव के अंदर तो 0, तो 0.30, 30 किस लिए, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल गए हैं, उसके बाद वापस 0.0 पे। चीज आई समझ में आपको, ठीक है। इसी के ऊपर फिर हम एक अगला ड्राइंग करते हैं, उस पर शायद आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ये आपका एक और ड्राइंग है, नहीं पहले हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है, क्या मेरा ये पॉइंट और कोऑर्डिनेट सही है कि नहीं है। तो चलिए ऑटोकैड खोलते हैं, ये ऑटोकैड खोलिया। अब इसके अंदर भी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, वो सारे आपको याद होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, यूनिट, UNITS, एंटर, यूनिट पूछ लिया। अब उसमें मैंने कोई भी डायमेंशन नहीं, कोई भी यूनिट नहीं दे रखी थी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं दे रखा था, आप कुछ भी चीज मान सकते हो। सपोज मैं आपकी बार मान लेता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है, ओके कर दिया। लिमिट LIMITS, अगला पॉइंट यही था, एंटर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0.0 और अपर राइट कॉर्नर क्या बताया था मैंने, लिमिट का वैसे ही मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम ब्रेथ, जितना आपको सीट चाहिए। तो मैंने उसमें देख लेते हैं कितनी मेरी लेंथ और कितनी मेरी ब्रेथ है। तो मेरी टोटल लेंथ 0 से लेके 120 जा रही है और मैक्सिमम ब्रेथ 45 है, तो 120.45 लिख लेते हैं,
इतना मेरे लिए बहुत है, इसी में मैं अपनी ड्राइंग बना लूंगा। अगर मैं 120 और 45, 120 की लेंथ, 120 की लेंथ की शीट और 45 ब्रेथ की शीट मिल जाएगी तो मैं उसमें ये डायग्राम आराम से बना सकता हूँ। अगर इससे छोटी मिलेगी तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इससे बड़ी मिलेगी तो भी बना सकता हूँ, इसके बराबर मिलेगी तो भी बना सकता हूँ। यही होता है आपका लिमिट। तो लिमिट अपर राइट कोने कितना डाल दूंगा, 120.45। अगला था आपका जूम, जूम के लिए आप जेड एंटर कर सकते हो, उसके बाद ऑल, ऑल के लिए ए एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब लाइन कमांड चाहे आप यहां से भी जाके ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एल एंटर, एल फॉर लाइन, पहला पॉइंट बोल रहा है 0.0। अब आपका अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट है आपका 45.0। चलो देखते हैं 45.0 आएगा कि नहीं आएगा। 45.0 बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 60.0, 60.0 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है मेरा, 105.0, ठीक है, 105.0। और मेरा अगला पॉइंट क्या है, फिर अगला पॉइंट है 120.0, तो 20.0 ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है मेरा 120.30, चलिए 120.30। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 105.45। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 60.45, ठीक है, 60.45। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 45.30, ठीक है, 45.30। फिर क्या है, 0.30। उसके बाद क्या है, 0.0। जब आपका ड्राइंग खत्म हो जाए तो एस्केप। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, इसमें मुझे ये बीच में लाइन बनानी है, ये वाली और ये वाली, ये भी बना सकते हो। कैसे, दोबारा लाइन कमांड ले लेते हैं, एल एंटर। मुझे एक लाइन यहां से यहां तक चाहिए, तो मुझे ये पता है ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट मेरा 45.30, ठीक है। तो उसको लिख देता हूँ 45.30, वो आ गया। और यह लाइन कौन सा हो जाएगा मेरा, 0.45। ओहो गलती हो गई, ये वाला पॉइंट देख लेते क्या है, यह है 45.0, सॉरी उसमें गलती हो गई थी, ये क्या हो जाएगा 45.0, बिल्कुल सही है। दोबारा एस्केप कर देते हैं, दोबारा लाइन कमांड लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आपका 60.45, तो ले लिया 60.45। और फिर कितना हो जाएगा वो नीचे वाला, 60.0, पहुंच गया। दोबारा एस्केप, दोबारा लाइन कमांड एल एंटर, ये वाला पॉइंट कितना आपका, 105.45। उसके बाद सीधा नीचे 105.0, ये आपकी चीज बन के तैयार हो गई है। देख लेते हैं, कंपेयर करो, ये भी चीज वही है और ये चीज वही है, मतलब मेरे पॉइंट भी बिल्कुल सही थे, ठीक है। अब जो अगला जो आपका है वो ये है, ये वाला फिगर है 80 80। इसमें भी आपको कोई यूनिट दे रखी है तो यूनिट आप कोई से भी ले सकते हो। 80 की लेंथ दे रखी है, टोटल ब्रेथ 40 और ये 40, मतलब टोटल 80 की भी ब्रेथ दे रखी है, तो मतलब मुझे 80x80 की शीट मिल जाएगी, तो मैं इसके अंदर बना लूंगा, लिमिट में ये हो जाएगी। तो सपोज दोबारा इसे ही बनाना शुरू करते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, लिमिट लिख लेते हैं सीधा 80.80, सॉरी वो 809 हो गया, 80.80। एंड ओहो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ले लिया था मैंने, LIMITS, लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो 0.0 होएगा, अपर राइट कॉर्नर 80.80। अब जेड एंटर, ए एंटर, शुरू करते हैं। लाइन कमांड लिया 0.0, इसके कोऑर्डिनेट मैंने पहले ही निकाल कर रखे हुए हैं, ये रहे उसके कोऑर्डिनेट 0.0। अब अगला क्या हो जाएगा, 20.0। अब जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके हिसाब से बना लेते हैं जल्दी जल्दी, 20.0। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 20.-20, 20.-20। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, 40.-40, 40.-40।
उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 60, -20, 60, -20। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 60, 0, 60, 0। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, 80, 0, 80, 0। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 80, 20 और फिर 80, 40। सीधा 80, 40 लिख लेते हैं, 80, 40, ठीक है। उसके बाद सीधा यहाँ आते हैं, 0, 40, 0, 40। उसके बाद सीधा यहाँ पे आते हैं, 0, 0 पे, 0, 0। तो एक आउटर फेस बन के तैयार हो गया है। मुझे एक लाइन चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पॉइंट मैंने निकाल रखा है 0, 20, और ये क्या है, 80, 20। तो दोबारा लाइन ले लेते हैं, पॉइंट 0, 20 से 80, 20, पहुँच गए। और एक लाइन चाहिए मेरा 20, 0 से लेके 60, 0 तक। तो दोबारा लाइन 20, 0 से 60, 0। तो ये चीज़ आपकी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये वाली चीज और ये वाली चीज। चीज आगे समझ में आपको, ठीक है। एक इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो आपका अगला जो कंसेप्ट है वो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया होगा तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, 2 मीटर लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ का स्क्वायर। अब इसे हमें रिलेटिव कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करना है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में बस हम एट द रेट ड्रॉ कर देते हैं। अब इस एट द रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस ये एट द रेट लगा के कोई भी कोऑर्डिनेट लिखोगे, इसका मतलब ये होगा कि इसे अपने ये अपने आप को ओरिजिन मान लेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इसको पहले 0.0 मान लिया, तो जैसे ही मैंने एट द रेट लगाया तो ये जो पॉइंट है इसे ओरिजिन मान के ले लेगा। तो ओरिजिन मान के 2.0, अब अगली बार जाऊंगा जैसे ही मैंने एट द रेट लिखा तो ये अगली ये जो कोऑर्डिनेट है ये उसके लिए ओरिजिन हो जाएगा, मतलब ये अब ओरिजिन बन चुका है जैसे ही मैंने एट द रेट लगाया। तो अगर ये ओरिजिन बन चुका मतलब इसकी जगह आप 0.0 मान लो, तो मुझे कितना जाना ऊपर, सिर्फ 20, सिर्फ 2 ऊपर जाना है, तो मतलब सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज आएगा। और फिर जैसे आप अगली बार एट द रेट लगा दोगे तो ये पॉइंट इसको ओरिजिन मानेगा और इसके रिस्पेक्ट में अपना पॉइंट लेगा, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन हो जाएगा तो मुझे बस लेफ्ट हैंड साइड में जाना है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो एट द रेट -2.0। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट के अंदर। लाइन लिया हमने, 0.0 दिया। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, शिफ्ट एट द रेट लिख दिया, उसके बाद क्या, 2.0। तो 2.0 देखिए यहां तक आ चुका है, ये रहा आपका 2.0, वो चीज छोटी होगी थी। अब अगला मुझे जाना है, कहाँ जाना है, अगला ऊपर जाना है, तो वो ऊपर का कमांड क्या है, एट द रेट 0.2। तो लगाया मैंने एट द रेट 0.2, वो देखिए। तो ये चीज आ गई ना यहाँ पर अपने आप ही, मतलब ये वाला पॉइंट ने जो आप मैंने अभी जो पॉइंट डाला है एट द रेट 0.2, इसने अपने प्रीवियस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया था। अब मुझे यहां जाना है तो जो ये जो मेरा अगला पॉइंट होगा वो अपने पहले पहले वाले पॉइंट को ओरिजिन मान के जाएगा। तो ठीक है, डाल देते हैं एट द रेट -2.0। -2 किस लिए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पहुंच गए। और अगली बार दोबारा, अब मुझे पता है जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन है, तो 0.0 डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे एक अगला मैंने एक और एग्जांपल रखा है, इसके अंदर रेक्टेंगल रखा है ये वाला, इसके जो इसकी लेंथ मैंने 10 मान रखी है और ब्रेथ 8 मान रखा है। इसको भी मैंने रिलेटिव कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर रखा है, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल हम 10 गए हैं, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आएगा। पहली वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस होती है तो 0 से लेके 10, और दूसरी दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी वाई होती है, तो वो चीज 0 की 0 रहेगी, क्योंकि हमने वर्टिकल को डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। अब यहां से हमें इस साइड इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक जाना है, तो अब की बार सिर्फ हम वर्टिकल डिस्टेंस का ट्रेवल करेंगे। और जैसे ही मैंने एट द रेट लगा लिया तो ये पॉइंट इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेगा, ठीक है। तो ओरिजिन मान लेगा तो इसको आप एट द रेट 10.0 को ओरिजिन भी मान सकते हो, 0.0 मान सकते हो।
तो मुझे यहाँ से सिर्फ वर्टिकल ऊपर जाना है, तो मतलब सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज आएगा, तो आपका एक्स एक्सिस 0 @0,8, क्योंकि ये चीज़ 0 थी और मुझे बस 8 ही ऊपर जाना है, तो 8 लिख दिया। अब जो ये वाला पॉइंट है वो इसे अपना ओरिजिन मान लेगा, ठीक है। तो इसे ओरिजिन मानकर वो हमें ये पॉइंट देना है। तो सपोज जो आपको लिखा दिख रहा है @0,8, इसको आप सीधा ओरिजिन मान लो 0,0। तो 0,0 के हिसाब से हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाना है, वो भी हॉरिजेंटल, तो सिर्फ एक्स के अंदर चेंज आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव, कितना नेगेटिव, माइनस माइनस 10 @-10,0। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऑटोकैड के अंदर। इसे डिलीट किया, लाइन कमांड ली, पहला पॉइंट 0,0, लेंथ आपकी 10 थी, तो @10,0, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, @, हमें ऊपर जाना है 0,8, ये देखिए। और फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, @-10,0, और आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0, ये देखिए। ये आपका सिर्फ रिलेटिव कोऑर्डिनेट था ना, सिंपल। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑटोकैड से संबंधित और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।